जिले के ग्रामीण अंचल में निरंतर जन जागरण और कार्रवाई के बावजूद कोविड संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। कलमेश्वर में बुधवार को 29 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कलमेश्वर ब्राह्मणी शहर में 12 मरीज मिले। ग्रामीण क्षेत्र के धापेवाड़ा परसोड़ी में 4-4, कोण खैरी 3, मोहपा मांडवी पिपला 2-2 तथा सेलू सावंगी ऊपरवाही घोड़ा सोनेगांव वरोड़ा सावली भड़ांगी खैरी हरजी और चौकडोह में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया। काटोल तहसील में कोविड की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। तहसील में 37 लोग संक्रमित मिले हैं। काटोल शहर के जानकी नगर में 8, पंचवटी 4, फल्ली मार्केट दौड़कीपुरा 3-3, रेलवे स्टेशन धंतोली राउतपुरा 2-2 तथा गलपुरा देशमुखपुरा वटपुरा नबीरा लेआउट अर्जुन नगर पेट बुधवार में 1-1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। ग्रामीण अंचल में पारड सिंगा मसली 2-2 तथा खापरी केनी गोंडी दिग्रस और वनली में 1-1 मरीज मिला। हिंगना तहसील में 855 लोगों का टेस्ट किया गया, इसमें 28 पॉजिटिव मिले हैं। वाना डोंगरी में 11, डिगडोह 7, नीलडोह 5, हिंगना 3 तथा मोंडा और सावली बीबी में 1-1 व्यक्ति संक्रमित पाया गया। तहसील में मरीजों की कुल संख्या 4767 हो गई है, जिसमें से 4024 स्वस्थ हो चुके हैं। 108 लोगों ने जान गंवाई है। रामटेक तहसील में 18 मरीज मिले। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 1315 हो गई है, जिसमें 1091 स्वस्थ हो चुके हैं, 39 की मौत हो गई। रामटेक शहर के गांधी वार्ड राजाजी वार्ड और भगत सिंह वार्ड में 3-3 तथा महात्मा फुले वार्ड अम्बेडकर वार्ड अम्बाला वार्ड और रामलेश्वर वार्ड में 1-1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र की शीतलवाड़ी मनसर वड़ाम्बा सालई और दाहोदा में 1-1 व्यक्ति संक्रमित मिला। यह जानकारी टीएचओ डॉक्टर चेतन नाइकवार ने दी। कन्हान पीएचसी अंतर्गत 58 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, इसमें 17 लोग पॉजिटिव पाए गए। 41 लोगों की आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आनी बाकी है। नरखेड़ तहसील में 13 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। नरखेड़ शहर में 3 मरीज मिले। ग्रामीण अंचल में सिंजर 4, मोवाड़ धातुरवाड़ा 2-2 तथा महेंद्र और बिश्नो में 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ग्रामीण क्षेत्र में 246 और नरखेड़ में 44 सहित तहसील में कुल 290 एक्टिव केस है। उमरेड़ तहसील में 12 लोग पॉजिटिव मिले। इनमें उमरेड़ शहर और ग्रामीण क्षेत्र के 6-6 व्यक्ति शामिल है। कुही तहसील के 68 लोगों का टेस्ट किया गया, इसमें 11 संक्रमित मिले। आकोली 3, मांडल वेलतुर 2-2 तथा कुही मुसलगांव सालवा और सिल्ली में 1-1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पान से बीसी न्यूज नागपुर।